क्या हुआ, तूने मुझे ऐसा अचानक को बुलाया? और तो फोन में इतना घबरा क्यों था भाई? तू रो क्यों रहा है? आज सुबह एक अनजान व्यक्ति का फोन आया था। किसका फोन आया था बोल? वो मुझे जान से मार देगा अगर। अगर कौन तुझे जान से मार देगा? किसका फोन आया था? देख, ऐसा रोने का कोई फायदा नहीं है, साफ साफ बता आखिर बात क्या है। एक आदमी का फोन आया था, पता नहीं वो कौन था, उसके पास मेरा नंबर कहाँ से आया। उसने मुझसे ये कहा कि आज शाम तक मैंने उसे 5 लाख रुपए नहीं दिए तो मुझे जान से मार। मुझे अपनी जान की परवाह नहीं है, मैं अपनी जान हंसते हंसते दे दूंगा, लेकिन अगर मुझे कुछ हो गया ना तो मेरे घर वाले जीते जी मर जाएंगे। भाई तू पागल हो गया है क्या? ये तू कैसी अजीब सी हरकत की जा रहा है? ऐसा कुछ नहीं होगा, ये सब उन लोगों का धंधा होता सिर्फ और सिर्फ पैसे कमाने का, और जो लोग इनके षड्यंत्र में फंस जाते हैं ये लोग उनको बर्बाद कर देते हैं। एक काम कर, तू फोन लगा, मैं बात करता हूँ, मैं देता हूँ ना ये 5 लाख रुपए। उसका फोन स्विच ऑफ जा रहा है, उसने बोला था कि 1 घंटे के बाद फोन करूंगा, बता तू पैसे कहाँ लेकर आने। मजदूरी से जो कमाई करता हूँ उससे घर का खर्चा, बच्चों की स्कूल की फीस, माँ बाप के दवाई के खर्चे में चले जाते, फिर मैं उसे 5 लाख रुपए कहाँ से दे पाऊंगा? देख, 1 रुपया भी किसी को देने की जरूरत नहीं है। उसने बोला था ना कि वो 1 घंटे बाद फोन करेगा, ला अपना फोन दे, मैं उससे बात करता हूँ, मैं देखता हूँ कितना बड़ा गुंडा है। नहीं भाई, ये गलती मत करना, वो बहुत खतरनाक आदमी है, उसे मेरे बारे में सब कुछ पता है, वो हमारे आसपास यही कहीं है, वो हमें जरूर देख रहा। लेकिन ये मैं कैसे मान लूँ कि वो बहुत खतरनाक आदमी है? क्या पता तेरे साथ किसी ने मजाक किया हो। मैंने कॉल रिकॉर्डिंग किया था, सुनाता हूँ। अगर अपनी जान की परवाह करता है तो आज शाम तक 5 लाख रुपए तैयार रखना, अभी 1 घंटे के बाद फोन करूंगा कि पैसे कहाँ भिजवाना है। भाई आप हो कौन और मुझसे 5 लाख रुपए क्यों मांग रहे हो? मैंने आपका क्या बिगाड़ा है? बिगाड़ा तूने नहीं है, तरुण ने है। पिछली बार जिस तरह से उसका भाई का कत्ल किया था ना, वही हाल इस बार तेरे साथ होगा। मुझे पता है तरुण तुझे अपने भाई से भी बढ़कर मानता है, इसलिए तेरी जान पर कोई दिक्कत ना आए तरुण को बोल देना 5 लाख रुपए 1 घंटे के अंदर तैयार रखेगा। वैसे भी 5 लाख रुपए में बहुत कम मांग रहा हूँ, तेरी जान बचाने के लिए वो 50 लाख भी दे सकता है। और हाँ, कोई होशियारी नहीं, अगर कोई चलाकी करी तो तू दोबारा तरुण से कभी नहीं मिल पाएगा। इसका मतलब मेरे भाई का खून भी इसे नहीं किया था? देख, तुझे डरने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, हम दोनों को कुछ नहीं होगा। और मैं अभी इस खूनी के प्रति FIR दर्ज करवाने जा रहा हूँ। आज मुझे अपने भाई के खूनी का ही पता चल गया, मैं नहीं छोड़ूंगा इसे। भाई तू कहाँ जा रहा है? तूने सुना नहीं उसने क्या कहा? अगर कोई होशियारी करी तो वो हमें जान से मार देगा। तरुण के होते हुए तुम्हारा कोई बाल भी बाका नहीं कर पाएगा। FIR दर्ज करवाने जा रहा है। कौन? FIR दर्ज करवाने जा रहा है। तब एक काम कर, FIR मेरे लिए दर्ज मत करना, अपने दोस्त विनीत की करना कि उसका खून हो गया है। विनीत भाई,
भाई मुझे नहीं छोड़ेंगे, ये मार देंगे मुझे। मैंने तुझे कही थे ना कि कोई होशियारी मत कर, इसे 5 लाख दे दे भाई। हेलो, हाँ आपने जहाँ पर बुलाया था मैं पैसे लेकर उसी जगह पर खड़ा हूँ। प्लीज़ मेरे भाई को छोड़ दो। पूरे पैसे लाए हैं ना? हाँ पूरे पैसे लेकर आए। देख तेरे सामने जीना है, इस जीने के ऊपर जाकर पैसे रख और तू निकल यहाँ से। और अगर इस बार कोई चलाकी करी तूने अपने दोस्त को हमेशा हमेशा के लिए खो देगा। लेकिन मैं यकीन कैसे मान लूँ कि तुम पैसे लेने के बाद मेरे दोस्त को छोड़ दोगे? तुम एक काम करो, तुम मेरे दोस्त को उसके घर भेज दो, मैं पैसे तुम्हें दे दूँगा। देख मुझे ना ज़्यादा ज्ञान मत दे, जैसा बोल रहा हूँ चुपचाप से वैसा कर, नहीं तो और भी तरीके हैं मेरे पास। देख 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 मेरे दोस्त को कुछ मत करना, तुम जैसा बोलोगे मैं वैसा करने के लिए तैयार हूँ। मार देंगे तब तुझे अच्छा लगेगा, ये जैसा बोलते तू वैसा क्यों नहीं करता? भाई पैसों का बैग जहाँ इन्होंने बोला था वहाँ मैंने रख दिया है। मैंने तू वहाँ पर क्यों खड़ा है? वहाँ से चला जा तू।